हेलो डियर टीचर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एआर न्यूज एंड टेक। आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं आप किस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है प्रेरणा पोर्टल पर करेंगे। ये बच्चे बालूवाटिका के अंतर्गत आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आप प्रेरणा पोर्टल पर किस तरह से करेंगे आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अभी तक लॉगिन करते रहे हैं, गूगल में टाइप करिएगा मिशन प्रेरणा, इस तरह से इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलेगा बैंक डेटा अपलोड, यहाँ पर टीचर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन या बैंक अपलोड कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और अपना प्रेरणा पोर्टल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके वेरीफाई करेंगे। OTP आएगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से साइड में देखेंगे, यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ये न्यू जो आ रहा है आंगनवाड़ी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेशन 2022-23, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए होंगे पंजीकरण करने के, यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप चाहें तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सेशन आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आपके विद्यालय की जानकारी फिल होगी। यहाँ पर कक्षा में आपको सिलेक्ट करना है बाल वाटिका, जैसा कि ऑलरेडी आ रहा है। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र का कोड, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड जो भी आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होंगी उनको पता होगा, उनसे पूछ के आप ये भरिएगा। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम वो भी आप उनसे पूछ के भरेंगे। ये जो डिटेल्स है स्कूल के हेड टीचर या कोई भी असिस्टेंट टीचर या इंचार्ज जो हेड टीचर है वो भर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर वो विवरण दिखाएगा जब आप सभी बच्चों का जो जितने हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर कुल बच्चे बालक और बालिका दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर प्रवेशांक भरना है, जैसे कि बच्चे का प्रवेशांक जो आंगनवाड़ी का रजिस्टर होगा उन्होंने बनाया होगा उसमें लिखा होगा, ठीक है। प्रवेशांक यहाँ पर भर लेंगे और प्रवेश तिथि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस डेट को उसका एडमिशन किया गया वो भरेंगे। उसके बाद बालक बालिका का आधार बना है, हाँ पर क्लिक करेंगे तो आधार के अनुसार यहाँ पर देखेंगे बालक बालिका का नाम। ये सारी एंट्री आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरें, ध्यान रखिएगा। आधार के अनुसार बालक बालिका का नाम हो जाएगा, इसका लिंक जो भी है बालक है या बालिका है। उसके बाद आधार के अनुसार जन्मतिथि, आधार पर जो पता पड़ा हुआ है बच्चे का वो यहाँ पर भर देंगे, और आधार पे उसके माता का नाम पढ़ा या पिता का नाम सेम एज स्पेलिंग जैसी पड़ी हुई है वैसा ही भरेंगे, और उसका संबंध क्या है जैसे पिता है या माता है जो भी है वो भर देंगे। उसके बाद बालक बालिका का आधार नंबर यहाँ पर आपको भरना है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है बालक बालिका का आधार, तो यहाँ पर बालक बालिका का आधार संख्या भरनी है, उसका दिए कंसेंट रहने देंगे। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, पिता का नाम, अब आपको बालक या बालिका के पिता का नाम भरना है और माता का नाम भरना है और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है, ठीक है। अन्य जानकारी में क्या करना है, यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है जिस रिलीजन से वो है। राशन कार्ड का प्रकार यहाँ पर देख लेंगे कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। श्रेणी क्या है, सामान्य OBC ST जो भी है। क्या बालक बालिका दिव्यांग है आप देख लेंगे ऐसे या नो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बालक बालिका के जनपद का नाम यहाँ पर ऑलरेडी आएगा जिस जनपद का आपका स्कूल होगा, और क्षेत्र का प्रकार देख लेंगे रूरल है या अर्बन है। ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल और शहरी क्षेत्र है तो अर्बन भरेंगे। उसके बाद पिन कोड भर देंगे और लास्ट में फाइनली सारी डिटेल चेक करने के बाद प्रोसीड टू सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आंगनवाड़ी के बच्चे का जो है प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब मान लीजिए बच्चे का आधार नहीं बना, तब आपको क्या करना है। अगर बच्चे का आधार नहीं बनाया तो नहीं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है फिर आपको बालक बालिका का नाम और वही सब लिंक वगैरह ये सिलेक्ट करना, जन्मतिथि, पता, ये सब उसके अकॉर्डिंग बनेंगे जो गार्जियन से आप पूछ लेंगे कि आगे भविष्य में वो किस नाम से आधार बनवाएगा। अगर नहीं बना तो इस केस में फिर से वही सारी डिटेल आप भर के फाइनली सबमिट कर देंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप बच्चे को आंगनवाड़ी वाले बच्चे को किस तरह से मिशन पेड़ा के पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। तो ये काम जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। तो यही पूरी प्रोसेस थी, आपको जानकारी समझ में आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आप हमसे अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।